कंटेंट में बहुत कम फोकस दिया। क्या मैं फेक हूँ? क्या आप सेफ रिव्यूज देने की कोशिश करते हो? मैंने खुद रिव्यूज इतने अच्छे करे। टेक यूट्यूबर कोलैब क्यों नहीं करते? मैंने मेहनत नहीं करी। उसकी जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए आई थिंक हमको मिलनी चाहिए। जरूरत क्या है जॉब की? हम सब अमीर बन सकते हैं अगर मैं अच्छा बोल दूँ तो। पेड वीडियो। This video is solely made for entertainment. I don't have any intentions to disrespect anyone. Please take this video as lightly as much as you can. If anyone from TechBurners team or any other creator is watching this video, then please don't give me copyright claim. This video is only made for entertainment and just to address some issues which I think are true. I can maybe incorrect or correct. I am ready to take feedbacks. I am just here to share some facts and don't have any intentions to spread hate and criticism. I am just a subscriber of yours trying to address some issues which again I say are according to me. I love you and I have been following you for more than 3 years. I love your content and right now I am just a student who is trying to rewrite my future through content creation. Thank you. So hello guys, this is Tech Stack and this is my first video. मैंने इस चैनल पे काफी सारी शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है जिनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है. So please give it a try and also I personally recommend you to watch my dark web playlist because I personally like it a lot. और इसको बनाने में काफी टाइम और मेहनत भी लगी थी और इस पे व्यूज भी नहीं आए. Why are we still here? Just to suffer. तो पहले थकेश भैया ने टेक बर्नर को रोस्ट भी करा था. सिमिलैरिटी टेक बर्नर और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पता है क्या? दोनों ने ही क्वालिटी इंप्रूव करने के नाम पे सिर्फ कैमरा क्वालिटी इंप्रूव की है. बट इज इट रियली अ रोस्ट वीडियो? ऑब्वियसली थकेश भैया टेक बर्नर को रोस्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर गुड फ्रेंड्स. बट टेक बर्नर इज नॉट माई फ्रेंड for now but will be in future, so let's start. So टेक बर्नर at first place में वीडियो बना के रहा हूं. हेलो गाइस, आई एम श्लोक एंड यू आर वाचिंग टेक बर्नर. हां ना दोस्त को मिल रहा है तो अच्छे बिकॉज तुझे व्यूज चाहिए ऑब्वियसली. तो जोक्स असाइड, मैं कुछ महीनों से एक चीज नोटिस कर रहा था विच आई एम गोइंग टू टेल इन नेक्स्ट सेगमेंट. आई थिंक टेक बर्नर इज कुकिंग समथिंग. अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाना बना रहे हैं. मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है. कुकिंग का मतलब टेक बर्नर कुछ और चीजों में थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे थे और इसी वजह से टेक बर्नर और कंटेंट मुझे गिरता हुआ दिख रहा था. और ये बात तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी एक्सेप्ट करी है. हमारे कंटेंट की क्वालिटी में बोलूंगा कि लाइक एक साल में थोड़ी बहुत डाउन गई है. जो हम पहले कर रहे थे वो भी अभी भी वही कर रहे हैं. हमने ग्रो नहीं करा इस साल. हमने इस साल ना ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल रिव्यूज में नहीं करा. हमारी रेट ऑफ इनोवेशन अभी तो स्लो है, थोड़ी स्लो है. हाँ, हम ना अभी ना मतलब आई वुड से कि पिछला साल मैंने कंटेंट में बहुत कम फोकस दिया. मैंने काफ़ी इधर उधर चीजें बिल्ड करी, थोड़ा बिजनेस वाली साइड में हुई है एंड दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो. और मुझे कुछ और प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करनी थी. तो मुझे टेक बर्नर भैया के साथ क्या इश्यूज लगते हैं? आई थिंक स्मार्टफोन की मार्केट और स्मार्टफोन से रिलेटेड कंटेंट में थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है. मींस अब ऑलमोस्ट सारे फोन्स काफी अच्छे आने लग गए हैं. तो सही बताऊं सारे स्मार्टफोन अच्छे ही हैं. मैं वही पूछना चाहता था, स्मार्टफोन बेकार है नहीं. अब मैं आईफोन के बारे में इसका क्या कौन क्या है, इसका बेकार क्या आईफोन में कोई नहीं बता सकता भाई. मुश्किल है क्योंकि कुछ है नहीं बेकार. हाँ, कुछ है ही नहीं बेकार मतलब. एंड जो आप मोस्टली वीडियोस यूट्यूब पे डालते हो वो फोन से रिलेटेड होती है एंड आई थिंक हर एक फोन पे वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है. और वैसे भी इंडिया में फोन से रिलेटेड काफी सारे ब्रांड्स हैं और उन सबको कवर करना इम्पोर्टेंट नहीं है. सिर्फ उन फोन्स की वीडियो बनाना सही रहेगा जिन ब्रांड्स ने जेन्युइनली कुछ नया करा है, नॉट इन परफॉर्मेंस टर्म्स बट इन एक्चुअल स्ट्रक्चरल टर्म्स, जैसे LG विंग, नथिंग एक्सेट्रा. आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक वीडियो हर एक 2 महीने में बना सकते हो जिसमें सारे फोन्स कवर हो जाए. सेकेंडली, इज इट जस्ट मी और व्हाट? आई थिंक स्पॉन्सर्ड कंटेंट में आप नहीं लगते. आई मीन स्पॉन्सर्ड कंटेंट में आप परफॉर्मेंस देने की ट्राई करते हो. जो आपका ह्यूमर है वो रॉ फील नहीं होता बट स्क्रिप्टेड फील होता है विच इज अनदर प्रॉब्लम. क्या मैं फेक हूँ भाई? ये क्वेश्चन ना इट इज अ हॉन्टिंग क्वेश्चन भाई एक इन्फ्लुएंसर के लिए. लोगों को पता नहीं है बात क्योंकि जब आप एक 8 साल तक वीडियो बनाते रहते हो ना तो आप खुद क्वेश्चन करते हो यार मैं जो वीडियो पे मैं हूँ क्या मैं वो असली में हूँ या फिर जो रियल लाइफ में वो असली हो. मे बी ब्रांड्स फोर्सेस यू टू डू इट बट आई डोंट नो मच अबाउट इट. थर्ड, मैंने एक ऐड देखी थी. सर्टेनली मुझे वो ऐड अभी मिल नहीं रही बट उस ऐड में मार्केटिंग कुछ ऐसे करी थी कि वर्ल्ड थिनेस्ट स्मार्टफोन एंड उस ऐड में आप और बाकी कुछ क्रिएटर्स भी थे एंड मेन टैगलाइन ये थी वर्ल्ड थिनेस्ट स्मार्टफोन. ये है वर्ल्ड का थिनेस्ट 5G स्मार्टफोन. इट इज द थिनेस्ट एंड लाइटेस्ट 5G फोन. थिनेस्ट एंड लाइटेस्ट ये है वर्ल्ड्स स्लिमेस्ट 5G स्मार्टफोन, काफी ज्यादा लाइट वेट है। आई मीन डज इट रियली मैटर? क्या लोगों को सच में इस चीज से फर्क पड़ता है? मेरे हिसाब से फोन की स्पेक्स और कैपेबिलिटी सीखना मैं ज्यादा पसंद करूंगा रेदर देन थिनेस्ट स्मार्टफोन। मुझे मतलब याली मार्केटिंग समझ में नहीं आई। देखो ये बात सही है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको कौन सा फोन अच्छा लगता है, बट फोन के पतले होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट उसके स्ट्रक्चर और बैटरी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उस फोन के बेंड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट ये चीज सब अपनी वीडियोस में एड्रेस नहीं करते। तो इस टाइप की एड ऑन मार्केटिंग का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आज के समय में देखा जाए तो मोबाइल फोन की बिल्ड क्वालिटी पे भी काम किया जा रहा है, क्योंकि जितना पतला फोन बनाएंगे ना उसके बेंड होने, टूटने और मुड़ने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे। फोर्थ इज स्पॉन्सर्ड कंटेंट। आई थिंक आप बाकी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी काफी कम वीडियोस डालते हो। लाइक टीवी, जो आपने लास्ट टीवी की वीडियो डाली थी वो सैमसंग का टीवी था और वो स्पॉन्सर्ड था। ये है एक 16 लाख रुपए का 85 इंच 8K टीवी। आज हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आ गया है। ये सैमसंग का नया स्मार्ट टीवी है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और स्पॉन्सर्ड कंटेंट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक पैसे भी कमाना जरूरी है, बट आई थिंक स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाने में एक पर्सनल बायस रहता है। अगर आप बाकी और टीवीज पे वीडियो बना रहे होते हैं या वंस इन अ वाइल कोई वीडियो जिसमें अच्छे टीवी कवर हो जाए, कुछ इस टाइप की वीडियो भी सही रहती। मे बी यू विल से शायद उन वीडियोस पे व्यूज नहीं आते एंड दैट इज नॉट गुड फॉर चैनल, बट आई थिंक एक साल में 2 वीडियोस तो पॉसिबल है। और हाँ, शायद कुछ लोग कहेंगे कि किसी और क्रिएटर की वीडियो जाके देख ले। तो देखो, जब आप किसी यूट्यूब क्रिएटर को काफी टाइम से देखते हो तो उस क्रिएटर के साथ आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, बट जब आप किसी और क्रिएटर की वीडियो पहली बार देखते हो तो आपका उस क्रिएटर के साथ कनेक्शन नहीं होता, जिससे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। दैट इज वंस इन अ व्हाइल अच्छा रहता है कि एक सिंगल वीडियो में सारी चीजें कवर कर दो। एंड पर्सनली आई रियली लाइक योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस लाइक नथिंग स्टूडियो 2 बाय स्मार्टफोन्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, थकेश का स्टूडियो 2, सो थम्स अप फॉर दैट। काफी हद तक एक स्टार्टअप वाली फील है। हम सारी चीजें फिगर आउट करेंगे आज के इस एपिसोड में। हम कब्जा करने आ गए। मैं अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर रहा हूँ बिजनेसेस। कभी कभार असली मर्द को दिक्कत हो जाती है। असली मर्द को कभी कभार हेल्प चाहिए। अरे रुको रुको, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब और लाइक भी नहीं करा। सब्सक्राइब और लाइक कर दो यार। मूविंग ऑन। तो डिस्पाइट बीइंग ऑन दिस, टेक बर्नर इज माय वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर एंड आई रियली लाइक योर पॉडकास्ट ऑन सेकंड चैनल एंड ब्लॉग्स टू। इट इज जस्ट मुझे कुछ चीजें सही नहीं लगी और मैं बस उन चीजों को एड्रेस करना चाहता था। ऑल्सो आप कुछ मंथ से सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हो गए हो, सो थम्स अप फॉर दैट। आई रियली लाइक योर कंटेंट एंड यू वर द फर्स्ट टेक क्रिएटर आई स्टार्टेड वॉचिंग, सो इसका मतलब टेक को इंट्रोड्यूस आपने मुझे कराया। मुझे अभी भी याद है मैंने आपकी पहली वीडियो हैरी पॉटर का असली सच देखी थी एंड फ्रॉम दैट मोमेंट आई एम वॉचिंग यू। हैरी पॉटर के असली सच का टाइम आ गया है दोस्तों। ये हैरी भी बहुत शातिर है दोस्तों। इंटर्नशिप मेरे अंदर करी और सीईओ जेम्स की कंपनी का बन के बैठा है। आज सारा सच हम। और हाँ, एक और चीज, आप एंटरप्रेन्योर भी हो और मुझे आपकी लेयर स्किन और ओवरली स्लोथिंग काफी ज्यादा पसंद है। मेरे हिसाब से इंडिया में अभी भी यूट्यूबर्स की रिस्पेक्ट नहीं है। यूट्यूबर्स की असली पावर दिखाने के लिए ये सारे ब्रांड्स काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें कुछ भी करके ग्लोबल लेवल पे खेलना पड़ेगा और किसी तरह से मीडिया में घुसना पड़ेगा ताकि हम लोगों को बता सके ये यूट्यूब का एरा है, ना कि टीवी एक्टर्स का। ये ब्रांडिंग अच्छी है यार कि मतलब कोई बंदा पिएगा तो ऐसे पिया और कोई बंदा ऐसे वर्टिकल डालते नहीं। कोई क्रिएटर ऐसा ब्रांड नहीं है जो इंटरनेशनल एकदम लेके जा रहा हो। भाई एक तो ब्रांड तो बनाना पड़ेगा यार इनको। भाई ऐसे छोड़ नहीं सकते भाई। ये पहाड़ी वहाड़ी एरिया है, कोई यहाँ पे भी बोतल मिल रही है, कुछ तो तगड़ा कराई। इंडिया नेक्स्ट के 2-3 साल में ना हम एक इंटरनेशनल स्टेज पे कम्पीट कर रहे हो। अभी हम फॉलो कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट और चाहे कुछ भी बोल लें, बट हाँ भाई मतलब व्यूज हमारे थोड़े ज्यादा आते होंगे या कुछ भी है, बट अभी है नहीं, मतलब कम्पीट नहीं कर रहे हैं। आप सबके बहुत कट्टर फैंस हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे तो नहीं छोड़ेंगे। सो आई अगेन से दैट ऑल दी प्रॉब्लम्स आई एड्रेस्ड कुड नॉट बी डू, सो प्लीज स्पेयर मी। एंड इफ एनी क्रिएटर इज वॉचिंग दिस वीडियो देन आई वॉन्ट टू से दैट प्ले बैक बिकॉज इट्स आवर टाइम। नॉट सिगरेट फूकना। मैं नहीं फूकता ऐसे, जस्ट फॉर रेफरेंस। Nothing, no smoking after college, but after college, what do you mean after college? College time पे ये बात नहीं बोलना चाहिए था। College के पहले कब करते थे? मैं सोच रहा after college इसके पहले फूकते थे। ये तो of course यार छोड़ो। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो दोस्तों। दिस इज टेक स्टैक साइनिंग ऑफ। अमेजोन ऑर्डर से जाता हूँ। मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, रोस्टिंग। मैं सारे कमबैक्स में नोट कर लिए क्या क्या बोला जा सकता है कि टेक चैनल पे कॉमेडी करता है टेबल, और चैनल बहुत सारे हैं, पैसा बहुत सारा है, तो बेइज्जती मारने के लिए तारीफ करनी पड़ती है यार। तो इस वीडियो के लिए मैं 500 लाइक्स का एम रखता हूँ। बाय द वे इससे ज़्यादा लाइक्स भी चलेंगे, प्लीज़ कर देना, प्लीज़।